अस्सलाम कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर थ्री सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इससे पहले हम कैश इंटरनल बसेस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रजिस्टर इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रजिस्टर के टाइप्स क्या हैं मुख्तफ़ किस्म के टाइप्स का हर एक रजिस्टर का फंक्शन क्या है तो आइए स्टार्ट करते हैं रजिस्टर रिफर टू द्रोप आफ़ लेजिस ग्रुप ऑफ लोकेशन्स लोकेशन मेमोरी लोकेशन इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि रजिस्टर आर स्मॉल मेमोरी लोकेशन टम्प्रेरी मेमोरी लोकेशन देयर स्टोर अ सिंगल मेमोरी वर्ड अब मेमोरी वर्ड से क्या मुराद है द नंबर ऑफ़ बाइट्स देट कैन बी प्रोसेस्ड बाई अ प्रोसेसर इसका मेमोरी वर्ड तो अगर एक प्रोसेसर थर्टी टू बिट का है तो वो थर्टी टू बिट उसके वर्ड साइज़ क्या है थर्टी टू बिट अगर एक प्रोसेसर सिक्सटी फोर बिट का है तो वो एट अ टाइम सिक्सटी फोर बिट मीन वर्ड साइज़ क्या है सिक्सटी फ़ोर बिट प्रोसेस कर सकता है टू आर रजिस्टर साइज आर द अमाउंट ऑफ बिट्स इन रजिस्टर इट इज़ नोन एज द रजिस्टर अब रजिस्टर थर्टी टू सिक्सटी फोर बिट तो ये इससे मुराद रजिस्टर की विर्थ है रजिस्टर आर कैटेगर फॉलो टाइप्स जनरल पर्पज़ रजिस्टर एंड स्पेशल पर्पज रजिस्टर पहले हम जनरल पर्पज़ रजिस्टर को डिटेल से पढ़ेंगे कि जनरल पर्पज़ रजिस्टर का मकसद क्या है रजिस्टर का मेन मकसद क्या है कि सी को डेटा एड्रेसेस और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना आर्जी तौर पर लोकेशन प्रोवाइड करना जनरल पर्पस रजिस्टर आर यूज टू स्टोर डेटा एज़ वेल एज द एड्रेस डेटा भी स्टोर करते हैं और एड्रेस भी स्टोर करते हैं दीज रजिस्टर आर यूज इन एंड डेटा मूमेंट्स हरिथमेटिक मीन एडिशन सब्ट्रेक्शन के लिए भी जनरल पर्पज़ इस्तेमाल होते हैं और डेटा मूवमेंट्स के लिए मतलब कि डेटा मूव करना है रेम से रजिस्टर में या रजिस्टर से रेम में या अरेथमेटिक लॉजिक यूनिट से रजिस्टर में तो डेटा मूवमेंट्स के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं दो मकासद है टिपिकली दीज रजिस्टर आर्थ एट टू सिक्सटी फोर बिट रजिस्टर फॉलिंग आर समाइप ऑफ जनरल परपज़ रजिस्टर एकोमोलेटर रजिस्टर बेस रजिस्टर काउंटर रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर एक दो तीन चार फोर टाइप्स है किसके जनरल पर्पज रजिस्टर है तो अब हम डिटेल से एकोमोलेटर रजिस्टर पढ़ेंगे एकोमोलेटर रजिस्टर इससे पहले भी हमें, हमें मालूम है कि एकमोलेटर रजिस्टर जो है वो दरअसल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के रिजल्ट को अपने पास स्टोर करता है जैसे एडिशन सब्रेक्शनल मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आ जाए तो वो कहाँ पे स्टोर होता है वो अकोमोलेटर रजिस्टर में स्टोर होता है अक्योमलेटर इज अ जनरल परपज रजिस्टर एंड इज यूज बाय द सी पी यू ये कौन यूज़ करता है याद रखिए रजिस्टर सी पी यू के इन साइड होते हैं फॉर परफॉर्मिंग एरेथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड टू होल्ड द रिजल्ट ऑफ दोज ऑपरेशन तो जब भी सी पी यू एडिशन सब्रैक्शन करता है या कंपेरिजन करता है वो एकोमलेटर रजिस्टर को इस्तेमाल करता है एन एकोमलेटर रजिस्टर इज अ टाइप ऑफ रजिस्टर इंक्लूडेड इन सी पी यू ये कहाँ पर है सी पी यू के अंदर है इन साइड द सी पी यू है इट एक्ट एज अ टेम्प्ररी स्टोरेज लोकेशन ये टेम्प्ररी स्टोरेज लोकेशन है आर जी है एडिशन सब्टशन का रिज़ल्ट जब आ जाए रिजल्ट डिस्प्ले हो जाए तो ये खाली हो जाता है जब लाइट चली जाती है ये खाली हो जाता है विच होल्ड्स डेटा एन इंटरमीडिएट वैल्यू इन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इंटरमीडिएट दरमिया रिजल्ट भी अपने पास रखता है और कैलकुलेशन जो होती है वो भी अपने पास रख हैं इंटरमीडिएट रिज़ल्ट ऑफ एन ऑपरेशन आर प्रोग्रेसिवली रिटर्न टू द एकोमलेटर प्रोग्रेसिवली का मतलब है के अगर मल्टीप्लिकेशन पहले हुई है तो लिख लिखी जाती है फिर अगर उस मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट के साथ एडिशन हुई है तो जाहिर अब रिज़ल्ट मुख्तलिफ हुआ तो वो फिर रिप्लेस हो जाए जाती है मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ओवर वर्ड ओवर राइटिंग द प्रीवियस वैल्यू अ कम्प्लीट थर्टी टू बिट रजिस्टर कैन बी यूज इन थ्री वेज तीन तरीक़ों से किसी भी एक्मलेटर रजिस्टर को सिस्टम इस्तेमाल इस्टेम कर सकता है कंप्लीट 32 बिट डेटा रजिस्टर उसको ये नाम दिया गया है लोअर हाफ ऑफ द 32 बिट रजिस्टर कैन बी यूज़ ए 16 बिट डेटा रजिस्टर एक्स या फिर लोअर हाफ्स एंड हायर हाफ्स ऑफ द एबो मैंशन सिक्सटी बिट रजिस्टर कैन बी यूज़ एज टू बिट डेटा रजिस्टर तो इन तरीक़ों से ये इस्तेमाल हो सकता है अब आप इस फिगर को देखें के थर्टी टू बिट रजिस्टर है और आपके पास एकोमलेटर बेस काउंटर डेटा सबकी साइज क्या है जीरो टू थर्टी वन मीन के थर्टी टू बिट रजिस्टर है तो ये आपके पास तीन तरीकों से इसकी डिवीज़न हुई है उसके बाद है बेस रजिस्टर अब बेस रजिस्टर क्या है वो रजिस्टर जो दरअसल डेटा मूवमेंट्स अरेथेमेटिक ऑपरेशन उसके लिए इस्तेमाल होता है बेस रजिस्टर का मेन मकसद क्या है एंड डेटा मूवमेंट्स एंड इट हैज़ सम स्पेशल एड्रेसिंग एबिलिटी और इसमें एड्रेसिंग एबिलिटीज़ भी हैं मतलब कि सारे एड्रेसेस तो रेम में पड़े होते हैं और उन एड्रेसेस पे डेटा पड़ी होती है तो एड्रेसेस की मूवमेंट्स के लिए भी बेस रजिस्टर इस्तेमाल होता है बी एक्स रजिस्टर कैन होल्ड अ मेमोरी एड्रेस देट पॉइंट्स टू अनदर वेरिएबल मेमोरी एड्रेस जो किसी वेरिएबल को पॉइंट करता है मतलब उसका एड्रेस उसमें मौजूद होता है इट इज यूजली इट यूजली कंटेंट्स अ डेटा पॉइंटर डेटा पॉइंटर मीन एड्रेस ऑफ डेटा अ कम्प्लीट टर्टी टू बिट रजिस्टर कैन बी यूज इन थ्री वेज एज शोन इन द फिगर थ्री पॉइंट फाइव तो अब इसको तीन तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है कम्प्लीट थर्टी टू बिट रजिस्टर ई बी एक्स उसका नाम है लोअर हाफ्स ऑफ द थर्टी टू बिट रजिस्टर कैन बी यूज एक्सटी रजिस्टर बी एक्स एंड लोअर एंड हायर हाफ्सटी बिट रजिस्टर कैन बी यूज एज टू एट विद डेटा रजिस्टर बी एच एंड बी एल तो ये आपके पास बेस रजिस्टर था और ये याद रखिए कि बेस रजिस्टर का काम क्या है डेटा मोमेंट्स काउंटर रजिस्टर जिसे के नाम से जार है वो रजिस्टर जो लूपिंग के लिए इस्तेमाल होता है जो रिपीटिंग स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो कहलाता है काउंटर रजिस्टर ये दरअसल काउंट करता है कि एक स्टेटमेंट कितनी मरतबा एग्जीक्यूट हो रहा है द इंस्ट्रक्शन गिवन आर ऑटोमेटिकली रिपीट एंड विल डिक्रमेंड द वैल्यू ऑफ सी एक्स जो काउंटर रजिस्टर है उसमें वैल्यू होगी उसको डिक्रमेंड करेगी मतलब माइनस फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन टेन टाइम्स एग्जीक्यूट होगा तो पहले वो नाइन होगी सी एक्स की वैल्यू फिर ए फिर एट सेवन फाइव सेवन सिक्स फाइव और आखिर में वन पर आखिर में ज़ीरो हो जाएगी डिक्रीमेंट मीन मनफी हो जाएगी एक उसमें से माइनस होगा हर एक दफ़ा जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है अ कम्प्लीट थर्टी टू रजिस्टर कैन बी यूज इन थ्री वेज एस कम्प्लीट थर्टी टू डेटा रजिस्टर ई सी एक्स लोअर हाफ ऑफ द थर्टी टू बिड रजिस्टर कैन बी यूज एज सिक्सटी बिड डेटा रजिस्टर सिक्स लोअर एंड हायर हाफ हाफ आफ दर अब मैं सिक्सटीन रजिस्टर कैन बी यूज एज टू एट बिड डेटा रजिस्टर उसके बाद है डेटा रजिस्टर अब डेटा रजिस्टर का मकसद जो है वो ये है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में मल्टीपल ऑपरेशन होते हैं मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेशन भी होती है और आखिर में रिजल्ट के लिए एडिशन भी होती है तो मोर देन वन ऑपरेशन होते तो उसके लिए फिर डेटा रजिस्टर खास जनरल पर्पस रजिस्टर है ये इस्तेमाल होता है इट वर्क लाइक अ बफर एंड होल्ड्स एनी थिंग देट इज़ कॉपीड फ्राम द मेमोरी रेडी फॉर द प्रोसेसर टू यूज़ इट ये कॉपी है हर एक चीज़ को जो मेमोरी प्रोसेसर को देती है अ कम्प्लीट थर्टी टू रजिस्टर कैन बी यूज़ एज एज कम्प्लीटी टू बड रजिस्टर ई डी एक्स लोअर हाफ दर्टी टू बेडस्टर कैन बी यूज एज डेटा रजिस्टर लोअर एंड हाइयर हाफ आफ द एबोन बेड रजिस्टर कैन बी यूज एज टू डेटा रजस्टर इनपुट आउट पुट ऑपरेशन डी एक्स रजिस्टर कैन बी यूज एज नंबर पोट नंबर क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस हर एक को एक नंबर असाइन होता है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है अब डी एक्स रजिस्टर वो भी अपने पास रखता है तो ये था जनरल परपज़ रजिस्टर के टाइप्स